प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन 3 आज से लागू हो चुका है। इस दौरान रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सरकार की ओर से रियायत दी गई है। खासतौर से देश भर में शराब के ठेके खोलने की चर्चा जोरों पर है। जोधपुर में मदिरा प्रेमी मदिरा लेने के लिए मधुशाला पहुंच गए, गफलत में कई शराब के ठेके खोल दिए गए, जिसके चलते शराब के ठेके पर भीड़ भाड़ होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शराब के ठेके को बंद करवाया गया। साथ ही आबकारी विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काम करने के निर्देश दिए। साथ ही आपको यह भी बता दें कि शराब के ठेके खुलने के बाद मदिरा प्रेमी सुबह से ही लाइन में लग गए, वहीं एक 70 वर्षीय बुजुर्ग भी सुबह से ही लाइन में लगे हुए पाए गए। जिन इलाकों में कंटेनमेंट जोन नहीं है या कर्फ्यू नहीं है या हॉटस्पॉट नहीं है, वहां पे मदिरा दुकानों को खोलने की शर्तों के साथ अनुमति मिली है, और वो शर्तें हैं कि सोशल डिस्टेंस की पूर्ण पालना हो, उसके बाद में ही उन दुकानों पे बिक्री की जाए। कंफ्यूजन में कोई दुकान अगर खुल भी गई है तो उसको तत्काल बंद करवा दिया जाएगा, उसकी जांच होगी, कोई अगर अनियमितता पाई गई है तो उस पर कार्रवाई। अगर बिना मास्क से कोई दारू खरीदने आएगा, उसको मास्क दारू मिलेगी उसको या नहीं मिलेगी? अगर कोई बिना मास्क के शराब खरीदने आएगा तो उसको शराब नहीं दी जाएगी, और पुलिस प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है नियमानुसार।